भारत सरकार के डिजिटल इंडिया के सपने को सफल बनाने के उद्देश्य से भारतीय डाक विभाग और इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक के संयुक्त तत्वावधान में एक मिशन शुरू किया जा रहा है, जिसके तहत राजस्थान के कम से कम 66 ग्राम ऐसे सक्षम ग्राम बनेंगे जिसमें प्रत्येक घर में एक आईपीपीबी का खाता धारक अवश्य होगा। साथ ही उस गाँव का प्रत्येक किराना स्टोर दुकान व्यापारी का भी आईपीपीबी का खाता खुला होगा। उन्होंने कहा कि सक्षम ग्राम एक ऐसा डिजिटल इकोसिस्टम बनाएगा जिसमें प्रत्येक ग्रामवासी कैशलेस पेमेंट रिसिप्ट की तरफ अग्रसर किए जाएंगे। डाक विभाग आम पब्लिक को जोड़ने के लिए एक जो बंद खाते हैं उनको वापस से रिवाइवल करने का जो है मिशन शुरू कर रही है। हमारे साथ मौजूद है डाक सेवाओं के निदेशक राजस्थान परिमंडल के हैं एनआर मीना, इनसे बात करेंगे किस तरह से ये रिवाइवल अकाउंट खोले जाएंगे। नमस्कार। देखिए, पूरे राजस्थान के अंदर हमारे पास लगभग 1,10,00,000 खाते ऐसे हैं जो कि साइलेंट है, यानी उन खातों के अंदर 3 साल या 3 साल से ज़्यादा अभी तक ट्रांजेक्शन नहीं हुए थे। उनकी हमने लिस्ट बना करके हमारे सभी पोस्ट ऑफिसेज हैं राजस्थान के अंदर, उनको भेजी हुई है और एक अभियान चला रखा है। इस अभियान की शुरुआत अभी 1 जुलाई से हमने की थी। 1 जुलाई को जो अभियान हमने शुरू किया था उसके अंदर लगभग हमारे पास 75,000 लोग ऐसे आए जिन्होंने अपने खाता जो साइलेंट था यानी कि वो उसको पुनर्जीवित करवाया और चालू करवाया। तो एक ऐसी डिपार्टमेंट ने वो अभियान चला रखा है कि जो आम आदमी है जो गाँव के अंदर रहते हैं और खाता खुला के भूल गए हैं या उनके पास पासबुक नहीं है या अकाउंट नंबर नहीं है और उनके खातों में पैसे थे, उन लोगों तक हमारा पोस्टमैन है या हमारा पोस्ट ऑफिस का कर्मचारी है घर घर जा करके उनके खाते खुलाने का यानी उसको रिवाइवल कराने का प्रयास कर रहे हैं। इनसे जो आप बताएंगे काफी टाइम से पैसा जमा है उनका फिर इंटरेस्ट भी मिलेगा, काफी जनता का डाक सेवा से जो है टूटा हुआ जो संबंध है वो अब जुड़ेगा। देखिए, डाक विभाग का संबंध जनता से हमेशा रहा है क्योंकि डाक विभाग हमेशा से जनता की सेवा करता आ रहा है और जो अकाउंट जिसने खोले थे उनमें ट्रांजेक्शन हुआ लास्ट में अगर उसमें 10-20 रुपए बच भी गए थे वो हमारे पास साइलेंट अकाउंट रूप में हमारे पास पड़े हुए हैं, उसका हम विद इंटरेस्ट में वापस लोगों को पेमेंट करेंगे। या तो वो चाहे उस खाते को बंद करा ले, वो चाहे तो उस खाते को आगे भी चालू रख सकता है और पेमेंट बैंक जो हमारी एक नई जो आई है अभी उससे भी वो जोड़ सकता है और पेमेंट बैंक की सुविधा भी इसके साथ में ले सकता है। तो इससे जो कैशलेस जो सुविधा है उसको कितना बढ़ावा मिलेगा? देखिए, सितंबर के अंदर हमने पेमेंट बैंक की शुरुआत प्रधानमंत्री जी ने की थी और पेमेंट बैंक के तहत हमने लगभग यहाँ जितने भी हमारे ग्रास रूट पे गांव ग्रामीण क्षेत्र के अंदर जो भी पोस्ट ऑफिस थे उनको हमने जोड़ा और अभी हमने पिछले दिनों बाहुबली एक योजना शुरू की थी, अभी कल से हम एक सक्षम ग्राम की योजना शुरू कर रहे हैं। सक्षम ग्राम की योजना का मतलब ये है कि राजस्थान के अंदर हमने 66 गांव जो सिलेक्ट किए हैं उस गांव के अंदर हर परिवार में एक पेमेंट बैंक अकाउंट हो और उस इतने ही जितने भी वहाँ दुकानदार हो जो कि काम करते हैं दुकानों के ऊपर या खुद की दुकान है उनका खाता हो। तो जो गांव के लोग हैं दुकान से अगर सामान परचेज करते हैं या उनको पैसा रिटर्न करते हैं तो पेमेंट बैंक के माध्यम से उनका लेन देन हो और एक तरह से कैशलेस ट्रांजेक्शन की तरफ ये पहला कदम होगा कि अगर मान लो पूरे गाँव के अंदर एक खाता खुल गया एक परिवार के अंदर, वो किसी दुकान पर जाता है तो दुकानदार के पास भी अगर पेमेंट बैंक में अकाउंट खुला हुआ है तो उस अपने अकाउंट के माध्यम से उसको वो पैसा इजीली ट्रांसफर कर सकता है। तो ये कैशलेस की तरफ पहला कदम है। जो कैंप जो लगाए जाएंगे कैंप की 10 तारीख से शुरुआत होगी, उसके बाद में ये क्या टाइम पीरियड रहेगा इसका? देखिए, अभी तो हमने कोई ये कैंप रखा है, कल के बाद में कैसा रिस्पांस आता है उसके बाद नेक्स्ट कैंप रखेंगे और टाइम टू टाइम जैसे जैसे लोगों का क्योंकि 1,10,00,000 इधर अकाउंट है और उधर पेमेंट बैंक के 66 गाँव को हमें कन्वर्ट करना है तो कल जो हम काम करेंगे इस पे बैठ करके कल हमें आइडिया हो जाएगा कि फर्दर हमें किस डेट तक इस चीज को चलाना चाहिए। तो ये थे हमारे साथ डाक विभाग के राजस्थान परिमंडल के डाक सेवा के निदेशक एनआर मीना, इनका यही कहना है कि जनता के जो रिवाइवल अकाउंट है उनको रिवाइवल किया जाएगा ताकि जनता को जो उनका जो डाक में पैसा है उनको वापस उनको पैसा मिल सके और जनता की डाक विभाग जो हमेशा से जनता की सेवा करता आ रहा है तो जो अपनी सेवा है वो अपने निरंतर जारी रखेगा। कैमरा पर्सन नरेश पारी के साथ रहमतुल्लाह खान, न्यूज इंडिया, जयपुर। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक